बलवान का सीक्वल क्यों बनाना चाहते हैं साजिद? दिव्या भारती ने चंद सालों में ही कैसे कमा लिया था श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसा नाम? कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दिव्या भारती की मौत के पीछे एक षड्यंत्र था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 16 साल की उम्र, ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के साथ रोमांस। 90 के दशक की शुरुआत में दिव्या भारती ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और चंद सालों में ही सभी को अपना दीवाना बना लिया। मगर किसे पता था कि उनकी ये दीवानगी ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगी। दिव्या भारती के करियर ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि उनके जीवन में पूर्ण विराम लग गया और एक जगमगाता हुआ भविष्य धुंधली याद बनकर रह गया। दिव्या भारती के निधन की खबर से सारा देश शॉक हो गया और उनके प्रशंसकों का भी दिल टूट गया था। दिव्या भारती के चाहने वालों की कमी नहीं थी, वैसे कमी तो आज भी नहीं है, पर इंडस्ट्री को इस दिग्गज अभिनेत्री की कमी जरूर करती है। दिव्या की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 3 साल के अंदर वो इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। उनकी तुलना माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे स्टार के साथ होने लगी, चाहे डांस हो या जज्बात से भरी एक्टिंग हो या अदाओं का जादू। दिव्या भारती ने कम समय में ही अपना अलग मुकाम हासिल किया। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था और 5 अप्रैल 1993 में फ्लैट की खिड़की से फिसलकर उनकी रहस्यमय मौत हो गई थी। दिव्या की मौत मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 5 मंजिला बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। इस दौरान कुछ लोगों का ये मानना था कि उनकी मौत एक षड्यंत्र थी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक आत्महत्या थी। इस मौत के पीछे मुंबई पुलिस ने इसकी काफी जांच पड़ताल की और फाइनली इस केस की फाइल को 1998 में बंद कर दिया गया। जिस रात ये घटना घटी उसी दिन दिव्या ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था। 5 अप्रैल को हैदराबाद में दिव्या की फिल्म की शूटिंग होनी थी, लेकिन फ्लैट खरीदने की वजह से दिव्या ने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी और अगले दिन की तारीख रख दी। उस दिन दिव्या डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात करने वाली थी और उसी दिन ये दुर्घटना हुई। अब बात करते हैं कि बलवान का सीक्वल बनाने की वजह क्या है। ये फिल्म 1992 में बनी थी, हिंदी भाषा की फिल्म थी। इसका निर्देशन दीपक आनंद ने किया था। ये सुनील शेट्टी की पहली फिल्म थी जो असल में अपने अभिनय की शुरुआत एक और फौलाद फिल्म से करने वाले थे। ये फिल्म 11 सितंबर 1992 को सिनेमा घर में दिखाई गई थी और अब इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं साजिद। दरअसल वो इस फिल्म के सीक्वल को दिव्या भारती की याद में बनाना चाहते हैं, उनको समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी को ही कास्ट किया जाएगा या फिर उनकी जगह कोई और स्टार नजर आएगा। वेल, आप क्या चाहते हैं? आप सुनील शेट्टी को ही फिल्म में देखना चाहते हैं या किसी और नए स्टार को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये फिल्म आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये फिल्म आपको कैसी लगी जब आपने इस फिल्म को देखा था वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।